गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग्स। मैं आ चुका हूँ विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर और यहाँ देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण पेंटिंग्स और प्रतिमाओं को। इसके अंदर टोटल 25 गैलरियाँ हैं। पहला है शाही गैलरियाँ, दूसरा है राष्ट्रीय नेताओं की गैलरियाँ, पोर्ट्रेट गैलरियाँ, मूर्ति कला गैलरी, हथियार राष्ट्रीय कला गैलरी और नई कलकत्ता गैलरियाँ भी शामिल हैं। यहाँ बहुत ही प्रचलित किताबों का कलेक्शन भी मौजूद है, जैसे कि द अरबियन नाइट्स की स्टोरी बुक्स, विलियम शेक्सपियर की किताबें, इंडियन म्यूजिक की बहुत सी किताबें और इंडिया की कथक नृत्य। अभी हम हैं पोर्ट्रेट गैलरी में। यहाँ पर कई सारे पोर्ट्रेट पेंटिंग्स और तस्वीरें देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का आकर्षण देख सकते हैं, जो कई सारे लोग बाहर से भी आए हैं। फेस्टिवल के दिनों में ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेंगी। यह सबसे बीच का स्थान है जहाँ पहले मूर्तियाँ बनी हुई थी, जो अब हटा दी गई हैं, और उन्हीं के ऊपर है सबसे बीच का सेंटर। यहाँ काफ़ी स्पेस होने के कारण आवाज़ गूंजती रहती है। जगह जगह पर कई सारे डिजिटल स्क्रीन लगाए गए हैं, जिसमें पुराने इतिहासकारों को दिखाए जाते हैं। यहाँ पर उसी समय का हथियार देख सकते हैं। यहाँ चल रहे हैं उन लोगों का फोटोशूट। पुराने से पुराना स्टाम्प्स को देख सकते हैं। यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख युद्ध के बारे में बताए गए हैं। इसमें आज़ाद हिंद सरकार की अपने डाक सेवा के बारे में बताए गए हैं। यहाँ पर बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी में जानकारी दी गई है। म्यूजिक बजते हुए आप सुन सकते हैं। नेताजी ने जर्मनी से जापान यात्रा करते हुए उनकी तस्वीर। जर्मन पनडुब्बी के कैप्टन। इन सब पेजों पर छपी है पुराने समय की जानकारी, जो कि सुभाष चंद्र बोस की दी गई है। जब सुभाष चंद्र बोस को 1936 में गिरफ्तारी हुई थी उनकी खबरें।
आज़ाद हिंद इंडियन इंडिपेंडेंस। देख सकते हैं टच डिजिटल स्क्रीन। और यहाँ पर हूँ मैं। द इंडियन स्ट्रगल की किताबें, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। ये रहा हावड़ा ब्रिज, जहाँ से हम लोग घूमकर आ चुके हैं। इसमें पुराने से पुराने तस्वीरों को लगाए गए हैं। मेमोरियल जब बन रही थी तब का तस्वीरें। ये रहा बीच का सेंटर, जहां रानी की तस्वीरें लगाई गई हैं। नवंबर 1920 की तस्वीरें। ये रहा 3D स्क्रीन। ओके गाइस, यहीं से ऊपर वाले फ्लोर पर भी घूमने वाले हैं। आगे जा।
ओके गाइस, नेक्स्ट व्लॉग पर इनकी फर्स्ट व्लॉग पर भी घूमने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।